सो है फ्रेंड्स, हम बात करने वाले आज हुए रॉ के बारे में, जो कि एक एवरेज एंड बेहतरीन तरीके से रॉ हो चुका है। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे रॉ के स्टार्टिंग एंड इन सब की। तो शुरू करते हैं यार आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो यार सबसे पहले हम बात करने वाले रॉ की स्टार्टिंग की, जहाँ पर से रिकिन रॉलेंस एंड मैट रिडल का प्रोमो कट हो जाता है। इन दोनों में हाथापाई भी हो जाती है, अच्छी तरीके से मारामारी भी हो जाती है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक एक्सट्रीम रूल्स के लिए मैच मिल रहा है, वो भी ऐसा वैसा मैच नहीं, पहले से बेहतर एंड टफ मैच होने वाला है इनका, जहाँ पर एक्सट्रीम रूल्स में ये प्रोमो कट कर रहे हैं जिस तरीके से मैच के लिए अपने। तो यार अगले यहाँ पर एक कंडीशन हो जाती है यार, तभी यहाँ पर जो है टपक जाती है जजमेंट डे। एंड यहाँ पर एक मैच हो जाता है फिन बैलर वर्सेस मैट रिडल, एक बेहतरीन मैच हम कह सकते हैं, क्योंकि यार जिस तरीके से फिन बैलर रेसलिंग करते हैं, जिस तरीके से रिडल में रेसलिंग करते हैं, भाई बेहतरीन है देखने के लिए। एंड इन दोनों का मैच में यहाँ पर कहीं ना कहीं बेहतरीन मैचेस हुए। एंड यहाँ पर फिन बैलर ने डिफीट कर दिया, यानी फिन बैलर ने हरा दिया है रिडल को इस मैच में। कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस ने इंटरफेयर किया, इसलिए यहाँ पर जो है फिन बैलर हाजिर गए। हम बात करने वाले हैं अगले मैच की, जो कि बेहतरीन तरीके से एक और बात हुई, जो कि टैग टीम चैंपियनशिप है। यहाँ पर डिकोटा का एंड लियू स्काई न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन गए। यहाँ पर उन्होंने हरा दिया है उनको, एंड यहाँ पर न्यू एक टैग टीम चैंपियनशिप हमें देखने को मिल गई। एंड यहाँ पर एक बेहतरीन मैच एक और हो जाता है मंडे नाइट रॉ पर WWE में, जॉनी गिरगैनो वर्सेस जैक गेबल का, जो कि यहाँ पर जॉनी गिरगैनो बहुत दिनों बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं रेसलिंग में उतरे। जिस तरीके से इन दोनों का मैच हुआ देखने लायक था, बेहतरीन था। एंड ऑब्वियसली यार कहा जॉनी गिरगैनो जो हारने वाले थे मैच को, तो यहाँ पर जॉनी गिरगैनो ने जैक गेबल को धूल चढ़ाकर हरा दिया है। हम उसके बाद अब अगले बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक प्रोमो फिर से कट हो जाता है भाई ऑस्टिन थ्योरी एंड यहाँ पर केविन ओवंस का। अरे एक बात मैं बताना भूल गया कि एक्सट्रीम रूल्स के ऊपर एक ना कहीं यार एक मैच जा रहा है, जो कि हो सकता है जॉनी गिरगैनो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का, क्योंकि यहाँ पर जब जॉनी गिरगैनो का मैच ख़त्म होता है तब यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी ने अटैक किया जॉनी गिरगैनो के ऊपर। हम बात करेंगे अगले वाले मैच की, जो कि रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप प्रियंका बेला यानी प्रियंका बेला एंड यहाँ पर सोनिया डेवल का मैच होता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जिस पे यहाँ पर जो है ऑब्वियसली यार सोनिया डेवल हारने वाली थी, प्रियंका बेला जीतने वाली। तो यहाँ पर प्रियंका बेला यहाँ पर जीत गई है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, यानी ऑलरेडी स्टिल है वो चैंपियनशिप के लिए प्रियंका बेला। एंड यहाँ पर एक और मैच होता है भाई ओमस वर्सेस का, ये तीन बंदे होते हैं, हैंडीकैप मैच होता है, टू एंड वन हैंडीकैप मैच होता है, जहाँ पर ओमस जीत जाते हैं। ओमस का मार्केट डाउन हो चुका है बहुत दिनों बाद टेलीविजन पे दिखे यार, एंड जिस तरीके से ओमस की बुकिंग चल रही है, मुझे नहीं लगता कि अगला कुछ प्लान हो सकता है इनका। एंड यहाँ पर एक और मैच यहाँ पर हो जाती है, जो कि है एज वर्सेस डोमिनिक स्टेरियो, जो मेन इवेंट था आज के रॉ का, जहाँ पर जो है भाई एज जीत जाते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के वजह से। अब कैसे हुआ ये तो आपको मैच में पता चल जाएगा, आप अगर देखोगे तो यार मैं तो यार केवल रिजल्ट बताने के खड़ा हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैच इन दोनों को हाइप जितने तरीके से बेहतरीन तरीके से इनकी हाइप थी। सो यार आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।